बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नाज़रीन मोहतरम। एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। 9 मई 2021 को एक खबर सामने आई थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान और चाइना के कुछ वफद अर्जेंटीना पहुंचे थे और इस मीटिंग में अर्जेंटीना को 12 CF-17 फरोख्त करने की बात हुई थी। इस बातचीत में अर्जेंटाइन एयरफोर्स के चीफ ने CF-17 में लगे हथियारों पर डिस्कशन की और हतमी फैसला निकालते हुए कहा कि CF-17 हमारी जरूरतों पर पूरा उतर सकता है, लिहाजा हमें कोरियन FA-50 तैयारों की बजाय CF-17 की खरीदारी पर गौर करना होगा। इस हवाले से उस वक्त अर्जेंटाइन एयरफोर्स की जानिब से कोई हतमी फैसला नहीं किया गया था कि क्या वाकई में अर्जेंटीना पाकिस्तान से ये तैयारे खरीदेगा, मगर आज इस हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है वो यकीनन पाकिस्तान का सर ऊंचा करने के लिए काफी है। नाज़रीन ग्रामी, खबर की तफसील कुछ यूँ है कि अर्जेंटाइन के एक सरकार अखबार ने अपने आर्टिकल में दावा किया है कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स ने पाकिस्तान से 12 की तादाद में CF-17 तैयारे खरीदने का हतमी फैसला कर लिया है और बताया जा रहा है कि ये डील इसी साल मुतवक्की है और अर्जेंटाइन एयरफोर्स के लिए नए CF-17 थर्डर तैयारे तैयार किए जाएंगे और उनकी डिलीवरी भी जल्दी की जाएगी। अर्जेंटाइन अखबार के मुताबिक CF-17 लड़ाका तैयारे परफॉर्मेंस में लाजवाब हैं और उनकी कीमत भी दूसरे 4th+ generation लड़ाका तैयारों पर इंतहाई कम है। इसी वजह से अर्जेंटाइन एयरफोर्स ये लड़ाका तैयारे खरीद रही है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फरीज़ोन को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।